दीपक स्टूडियो टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हे गाइस, गूगल एडसेंस में यदि अपना बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यदि आप 3 गलतियां ये करते हैं तो आपका पेमेंट अटक सकता है, रुक सकता है, तो आप ये 3 गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड आपको न्यू अपडेट भी कुछ आ चुके हैं जो कि इन न्यू अपडेट को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो 3 गलतियां कौन सी है जो कि आपको नहीं करनी है एंड आपको वो न्यू अपडेट क्या है जो को गूगल एडसेंस के थ्रू जो न्यू अपडेट आए हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी यार कि वीडियो को बिना एस्केप के एंड तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, आपको पता है कि गूगल एडसेंस के थ्रू ये वीडियो है रिलेटेड है, तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी चाहिए क्योंकि आपके यहाँ पे बैंक से रिलेटेड गूगल एडसेंस के रिलेटेड वीडियो है। तो यहाँ पे आप छोटी सी एक मिस्टेक करेंगे, वीडियो को स्केप करके देख लेते हैं तो आपको हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन मिले, तो आपको उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यार वीडियो को बिना एस्केप किए एंड तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो आइए गाइस, बिना लेट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं दीपक फिर टेक चैनल में, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे गाइस आपको पता है कि यहाँ पे 3 गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है एंड यहाँ पे कुछ न्यू अपडेट आ चुके हैं वो भी आपको नहीं करना है। सबसे पहला गलती आप क्या करते हैं कि स्विफ्ट कोड को ऑनलाइन निकालते हैं। स्विफ्ट कोड को ऑनलाइन निकालते हैं तो क्या होता है आपको कि अभी जो स्विफ्ट कोड ऑनलाइन निकाल रहे हैं तो अभी आपको पता है कि हमारा यहाँ पे इंडिया में कुछ दिन पहले यहाँ पे जो कि हमारा बैंक है, बैंक यहाँ पे प्लस हुए हैं, जो कि बैंक 2 बैंक को एक कर दिया गया है। कुछ दिन पहले आपको भी पता होगा, ये बहुत सारे यहाँ पे आपको पता होगा कि 2 बैंक को एक बैंक कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको आपका भी बैंक अकाउंट में यहाँ पे जो जिस अकाउंट में आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक को तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि एक्चुअली में ये बैंक में कोई प्लस तो नहीं हुआ है, कोई बैंक ऐड तो नहीं हुआ है, वो बैंक पहले जैसा ही है। यदि आपके पास यहाँ पे वो बैंक में कोई बैंक ऐड नहीं हुआ है यानी कि 2 बैंक नहीं प्लस हुए हैं तो आप उस बैंक का आप ऑनलाइन यहाँ पे स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं। यदि आपका बैंक प्लस हुआ है, स्विफ्ट कोड आप ऑनलाइन निकालते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा क्योंकि स्विफ्ट कोड यहाँ पे अपडेट हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यदि 2 बैंक यहाँ पे प्लस हुए हैं तो आपको भी यहाँ पे लगा सोच सकते हैं कि यहाँ पे स्विफ्ट कोड आपके बैंक का चेंज हो गया होगा। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो बैंक यहाँ पे प्लस हुए हैं उन बैंक का यहाँ पे स्विफ्ट कोड चेंज हो चुका है। तो स्विफ्ट कोड हो सके जितना जहां तक आपको बनता है वहां तक अपने बैंक अकाउंट को जहां पे आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उस बैंक के मैनेजर से जाके डायरेक्ट मिलिए, उनसे बोलिए कि मेरे को स्विफ्ट कोड चाहिए, यूट्यूब से मेरा यहाँ पे अर्निंग आने वाला है, मेरे को स्विफ्ट कोड अर्जेंट, वो आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि बैंक मैनेजर के पास स्विफ्ट कोड रहता है नहीं रहेगा तो अपने मेन ब्रांच से पता करके आपको स्विफ्ट कोड जरूर दे देंगे। तो आप जहां तक हो सकता है तहां तक आपका जितना हो सकता है उतना आप कोशिश कीजिएगा कि आपको स्विफ्ट कोड बैंक से मिले। ऑनलाइन के फेर में बिल्कुल मत पीजिएगा, यदि आप कब ऑनलाइन के फेर में पड़ते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वो बैंक में कोई बैंक ऐड नहीं होना चाहिए यानी आपका उस बैंक का स्विफ्ट कोड चेंज नहीं हुआ है, तो आप ये काम कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे दूसरी हम लोग को गलती नहीं करना है एंड आपको दूसरा अपडेट भी ये है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पहले हम लोग के पास पैन कार्ड बहुत कम इंडिया में चलता था लेकिन अभी पैन कार्ड यहाँ पे बाहर बैंक में अलाउ है। तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड यदि आपके बैंक अकाउंट में ऐड नहीं रहेगा यानी कि आपका बैंक पैन कार्ड से लिंक नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पे यूट्यूब का जो अर्निंग है जो गूगल एडसेंस आपको देता है जिस बैंक में आपको पैसा देगा उस बैंक में आपको गूगल एडसेंस के थ्रू जो है वो आपका यहाँ पे जो भी बैंक है किसी बैंक में भी आपका पैन कार्ड ऐड रहना चाहिए। जिस बैंक में आप गूगल एडसेंस का पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक में आपका पैन कार्ड ऐड रहना चाहिए। पैन कार्ड आपका उस बैंक में लिंक नहीं रहेगा, ऐड नहीं रहेगा तो आपको उस बैंक में अर्निंग नहीं आएगी यानी पैसा नहीं आएगा, गूगल एडसेंस उस बैंक में पैसा नहीं भेजेगा यानी कि यूट्यूब आपको उस बैंक में पैसा नहीं भेजेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना होगा आपके बैंक में जाके कि आपके बैंक अकाउंट में जो आपका पैन कार्ड दिए थे वो पैन कार्ड आपका बैंक अकाउंट में ऐड है कि नहीं, लिंक है कि नहीं, जुड़ा है कि नहीं, उसको जल्दी से पता कीजिएगा कि वो आपका बैंक अकाउंट जुड़ा है कि नहीं। एंड आपको तीसरा अपडेट एंड तीसरा गलती भी आपको यही है कि आपके बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी ऐड रहना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे इंडिया में ऐसे बैंक आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें बोलेंगे कि ईमेल आईडी नहीं ऐड होता है या ईमेल आईडी आप उनको दे भी दिए तो भी आपको वो ईमेल आईडी ऐड नहीं करते हैं। तो वहां पे भी आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे आप अपने बैंक में जाके उसका चेक करवाइए कि यहाँ पे आपके बैंक में ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड किया गया है कि नहीं, आपको ईमेल आईडी पे मैसेज आता है कि नहीं, ईमेल का कोई भी आपको जो अपडेट होता है बैंक से रिलेटेड
नेट बैंकिंग से रिलेटेड, वो आपको ईमेल आईडी पे आता है कि नहीं, एंड आपको यहाँ पे पैन कार्ड ईमेल आईडी दोनों आपके बैंक अकाउंट में ऐड रहना चाहिए। एंड आपको यहाँ पे यही आपको तीन अपडेट है, सबसे पहले तो आपका अकाउंट में पैन कार्ड ऐड रहना चाहिए, एंड दूसरा आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपके अकाउंट में ऐड रहना चाहिए। पैन कार्ड और ईमेल आईडी आपके बैंक में जरूर ऐड रहना चाहिए, तभी अभी के इस समय में आपके यूट्यूब पे यूट्यूब का जो अर्निंग है आपके अकाउंट में आएगा। एंड आपको तीसरा यही ध्यान रखना है कि आप कहीं से भी स्विफ्ट कोड यूज कर रहे हैं उसको कन्फर्म कीजिएगा, कहीं से भी कैसे भी करके उसको कन्फर्म कीजिएगा कि वो स्विफ्ट कोड एक्चुअली में आपके उसी बैंक का है। आप इतना यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको सिटी में एक किसी भी कोई भी बैंक का जो भी बैंक हो आपका उस बैंक का सिटी में सिर्फ एक स्विफ्ट कोड होता है, तो आप किसी से भी पता कीजिएगा कि वो बैंक का एक्चुअली में रियल में स्विफ्ट कोड वही है कि नहीं। स्विफ्ट कोड आपको सबसे जरूरी यहाँ पे मायने रख रहा है कि स्विफ्ट कोड के जरिए ही आपके अकाउंट में बैलेंस डाला जा रहा है, आपके अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, तो स्विफ्ट कोड को आप कन्फर्म यहाँ पे पक्का कर लीजिएगा कि मेरे बैंक का स्विफ्ट कोड यही है। तो आपको यही तीन अपडेट थी, बिग अपडेट थी, आपको इन तीन बिग अपडेट को एंड आपको ये तीन गलती बिल्कुल नहीं करना है। स्विफ्ट कोड आपको अच्छे से पता करना है एंड आपको अपने बैंक अकाउंट में चेक कर लेना है कि आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड है कि नहीं, पैन कार्ड लिंक है कि नहीं। तो जल्दी से इन तीनों अपडेट को कर लीजिएगा, नहीं तो आपका यूट्यूब बैलेंस नहीं आएगा। लेके गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक ठोक दो, क्योंकि अभी तो आपसे एक लाइक मांग ही सकता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एंड कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक किया हूं, तो प्लीज यार कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को मैं सुधार सकूं। एंड आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसे ही अपडेट चाहिए, यूट्यूब टिप्स चाहिए, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू गाइस वीडियो फॉर वॉच टाइम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई जानकारी लेके। तो थैंक यू गाइस।